गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम हैकर अर्थ पे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। नॉर्मल एरे की प्रॉब्लम है, बस एरे का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, आप ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन का नाम है स्ट्रेंजर गेम्स, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें खोलना पड़ेगा हैकर अर्थ, तो इसके लिए हम खोलेंगे हैकर अर्थ। और मेरा जैसे कि देख सकते हैं आप, क्वेश्चन पहले से खुला हुआ है। नेम ऑफ क्वेश्चन इज स्ट्रेंज गेम्स। ओके, क्वेश्चन जो है वो प्रीटी सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जैसे कि मैं आपको समझा दूँ क्वेश्चन में बेसिकली करना क्या है। इसमें लिखा हुआ है एलाइस एंड बॉब आर वेरी गुड फ्रेंड्स, दे कीप ऑन प्लेइंग सम स्ट्रेंज गेम्स, टूडे एलाइस केम अप विद अ न्यू गेम इन विच ईच प्लेयर गिवन एंड कार्ड्स एज दे स्टार्ट, ईच कार्ड हैज़ इट्स वैल्यू प्रिंटेड ऑन इट। ओके, एलाइस के पास एंड कार्ड हैं और सब पे कोई ना कोई वैल्यू गिवन हुई है। ठीक, तो द गेम फर्दर प्रोसीड्स एज ईच प्लेयर चूज अ रैंडम कार्ड एंड शोज इट्स वैल्यू, द प्लेयर हैविंग कार्ड विद हायर वैल्यू विन, एलाइस केम अप विद दिस गेम, ही वॉन्ट्स टू इंश्योर हिज विन, सो स्टार्ट टू इंक्रीज वैल्यू ऑफ सम कार्ड यूजिंग एन एल्गोरिदम। ओके, तो उसके पास एक एल्गोरिदम है जिसके थ्रू वो हर कार्ड की वैल्यू जो है गिवन है उसको इंक्रीज़ कर रहा है ताकि वो अपनी विन जो है वो इंश्योर कर सके। ओके, और कंडीशन क्या गिवन है यहाँ पे, टू इंक्रीज़ द वैल्यू ऑफ कार्ड बाय वन, रनिंग टाइम ऑफ एल्गोरिदम इज के सेकेंड। दैट मीन्स कि अगर हमें कार्ड की वैल्यू को एक से इंक्रीज़ करना है तो हमें के सेकेंड टाइम लगेगा उस एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करने का, या फिर रनिंग टाइम बोल सकते हैं। तो इसमें फाइंड करना है, फाइंड द मिनिमम रनिंग टाइम ऑफ एल्गोरिदम एंश्योरिंग दैट द विन ऑफ एलाइस। ओके, तो जैसे मैं आपको अब एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे टेस्ट केस गिवन हुआ है 3 और फिर 5 है एन की वैल्यू। एन क्या है, बेसिकली साइज ऑफ एरे। ये एरे जो है वो एलाइस की एरे है और ये सेकेंड एरे जो है वो है बॉब की एरे जिसकी साइज़ 5 गिवन हुई है। और 3 क्या है, 3 जो है वो के की वैल्यू है। के क्या था, कितना टाइम लग रहा है एल्गोरिदम को रन करने में, वैल्यू को एक से इंक्रीज़ करने में, जो एक से इंक्रीज़ करने में वैल्यू को जो रनिंग टाइम है वो के है। ओके, तो फिर जैसे अगर हम पहले एग्जांपल में की बात करते हैं, तो यहाँ पे एलाइस की जो एरे है उसमें वैल्यू गिवन है 8, 9, 10, 23 एंड 4, और जो बॉब की एरे है उसमें वैल्यू गिवन है 7, 9, 2, 3 एंड 13। ओके, तो फर्स्ट वाले का आंसर है 75। वो आंसर 75 कैसे आया मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, एलाइस को जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलाइस को जीतने के लिए ये इंश्योर करना पड़ेगा कि इसके हर एक कार्ड की वैल्यू इसके हर एक कार्ड से ज़्यादा हो। दैट मीन्स कि इसकी पहले कार्ड की वैल्यू 8 है। ओके, तो बॉब के कार्ड की पहले कार्ड की वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे तो ये 8 जो है वो 7 से ज़्यादा है। पर अगर हम आगे जाते हैं तो यहाँ पे मिल रहा है बॉब की वैल्यू एरे में 9, तो यहाँ पे ये कंडीशन सही नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे 8 है और ये 9, और इसको जीतने के लिए क्या इंश्योर करना पड़ेगा कि बॉब के एरे के हर एलिमेंट की वैल्यू से ज़्यादा हो एलाइस की वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे 8 9 से ज़्यादा नहीं है, तो अगर हम 8 को 9 कर देते हैं तो फिर ये 7 से भी ज़्यादा हो जाएगा और 9 से भी ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम 8 से 10 को कर दें इसको, तो फिर 2 आएगा 2 से, तो वो पहले से ही ज़्यादा है 8। फिर 3 आएगा 3 से भी ऑफकोर्स ज़्यादा है। फिर 13 आएगा तो 13 से 8 छोटा है, तो 13 से ज़्यादा करने के लिए हमें 8 में 6 ऐड करना पड़ेगा ताकि ये 14 हो जाए। अगर ये 14 हो जाएगा तो फिर ये 13 से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर हमें 8 को 14 करना है तो उसके लिए हमें 6 से इंक्रीमेंट करना पड़ेगा 8 में। दैट मीन्स कि 6 से इंक्रीज़ करने का मतलब है कि रनिंग टाइम इसका जो है उसमें कितना टाइम लग जाएगा, हमें एक को इंक्रीज़ करने में के टाइम लगता है और यहाँ पे के की वैल्यू गिवन है 3, तो 6 को एग्जीक्यूट करने में, 6 से इंक्रीज़ करने में 6 × 3, दैट मीन्स 18 टाइम लगेगा, 18 यूनिट ऑफ टाइम लगेगा। ओके, तो ये तो हो गया पहले एलिमेंट की बात, ऐसे ही हम सारे एलिमेंट के साथ करेंगे। ठीक, तो इसके पीछे एक लॉजिक है सिंपल सा, उसको हम देखते हैं यहाँ पे। लॉजिक ये है कि हम फाइंड कर लेंगे बॉब के एरे की लार्जेस्ट वैल्यू। बॉब की लार्जेस्ट एरे की लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करने के बाद हम एलाइस के एरे के हर एलिमेंट को ट्रैवर्स करके इससे ज़्यादा बनाएंगे,
इससे एक यूनिट ज़्यादा बनाए, ताकि इसके इक्वल तो बोला नहीं है क्वेश्चन में, बोला है इससे एक ज़्यादा होना चाहिए, तो हम इससे एक ज़्यादा बनाएंगे इसकी हर एलाइस के हर एरे एरे एलिमेंट को। ओके, तो हमें बेसिकली सारे एलिमेंट को इंश्योर करना है कि वो 14 से बड़ा हो, 14 या 4 के बराबर या 14 से बड़ा हो, दैट मीन्स कि 13 से बड़ा होना चाहिए। तो 8 को 13 से बड़ा करने के लिए हमें इसमें 6 ऐड करना पड़ेगा, 9 को 13 से बड़ा करने के लिए 4 ऐड करना पड़ेगा, 10 को 9 को 13 से बड़ा करने के लिए 5 ऐड करना पड़ेगा, 10 को बड़ा करने के लिए 4, 23 ऑलरेडी बड़ा है तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, फिर 4 को बड़ा करने के लिए हम इसमें 10 ऐड कर देंगे ताकि ये 14 हो जाए। और फिर अगर ये बॉब के एरे के लार्जेस्ट वैल्यू से बड़ा हो गया तो ऑब्वियसली वो सारे पीछे के जो छोटे वैल्यू होंगे उनसे तो बड़ा हो ही जाएगा, तो फिर हमें उसकी टेंशन नहीं लेनी। तो हम तो फिर अभी इसको इम्प्लीमेंट करते हैं C++ में। ओके, थोड़ा देख के तो फिर भी आप देखिए, ये मैं हेडर फाइल इंक्लूड कर रहा हूँ यहाँ पे C++ में, ये होता है बिट्स std:C++.h, ये हेडर फाइल है, इसमें सारी लाइब्रेरीज आ जाती हैं। जैसे कि अगर मैं वेक्टर यूज़ करना चाहता हूँ, स्टैक या फिर कुछ भी यूज़ करना चाहता हूँ, तो मुझे अलग से मेंशन नहीं करना पड़ेगा, वो सारी लाइब्रेरीज जो हैं वो इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। ओके, अभी मैं अपना मेन फंक्शन बनाता हूँ इसमें, और मैं इसमें अपना लॉजिक लिखूंगा। ओके, सबसे पहले मुझे क्या गिवन है इसमें, टेस्ट केस है, यानी ये देखते हैं हम एक बार। हाँ, इसमें टेस्ट केस है। ओके, तो सबसे पहले हम टेस्ट केस डालें यहाँ पर। टेस्ट केस डालने के बाद यहाँ पे क्या करना होगा हमें, उसको यूज़र से वैल्यू इनपुट करानी होगी, जिसके लिए मैंने किया CNT। ओके, अभी मैं यहाँ पे लिखूँगा वाइल टी माइनस माइनस, ये कंडीशन है यहाँ पे, ये सारे टेस्ट केस को कवर करेगी। जैसे कि अगर यहाँ पे टेस्ट केस 3 है तो ये जब तक, सॉरी मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया गलती से, तो ये जब तक 0 नहीं हो जाता तब तक के लिए कोड जो है वो स्टार्टिंग से चलेगा। तो मैं पहले n की वैल्यू मुझे और k की वैल्यू यूज़र से इनपुट करानी पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पे ले लिया n और ले लिया k। ओके, अभी मुझे दो एरे बनानी पड़ेगी, एक एरे है वो एलाइस की एरे है जिसकी साइज़ ऑब्वियसली n है, दोनों की साइज़ n है, बॉब की, ये बॉब की एरे हो गई जिसकी साइज़ n है। तो अभी मैं क्या करूँगा, यूज़र से एलाइस की जो वैल्यू है, एरे एलिमेंट्स है, उनको मैं इनपुट लूंगा उनका। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली इसको कॉपी करके इसको आगे यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ओके, फिर ये हो गया मेरा बॉब के लिए। अब मैं क्या करूँगा, मुझे फाइंड करना पड़ेगा इसके लिए बॉब की जो लार्जेस्ट वैल्यू है, ताकि मैं एलाइस के सारे वैल्यू को उस लार्जेस्ट वैल्यू से एक बड़ा कर सकूँ। ओके, तो मैं सपोज़ मान लेता हूँ, लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करने के लिए मेरा एक सिंपल सा लॉजिक है कि मैं मान लूँगा लार्जेस्ट एलिमेंट जो है वो है बॉब का पहला एलिमेंट, बॉब ऑफ 0 जो उसका पहला एलिमेंट है, वो लेट्स से कि लार्जेस्ट एलिमेंट है एरे का, बॉब के एरे का। ओके, तो फिर मैं अब इस एरे को, इस एम एक्स को जिसमें बॉब की 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू प्रेजेंट है उसको मैं मैक्सिमम सपोज कर रहा हूँ, फिर मैं सारे को ट्रैवर्स करूँगा कंपैरिजन कराने के लिए 1 से। ओके, तो मैं यहाँ पे कंपैरिजन कराऊँगा एम एक्स को एरे के सारे एलिमेंट को, बॉब के एरे के, तो बॉब ऑफ आई है, इफ़ अगर कोई भी एलिमेंट जो है वो एम एक्स से बड़ा मुझे मिलता है तो मैं एम एक्स की वैल्यू कर दूंगा अपडेट। ओके, तो ये लूप ओवर होने के बाद मुझे बॉब के एलिमेंट की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कि मैंने, मेरा लॉजिक इसके पीछे ये है कि बॉब के एरे में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 7, 9, 2, 3 एंड 13। ओके,
मैंने सपोज कर लिया कि 7 जो है वो लार्जेस्ट एलिमेंट है एरे का। अब अगर ये 7 लार्जेस्ट है तो फिर मैं 9 से ट्रेवर्स करता जाऊंगा 13 तक का। अगर कोई भी 7 से बड़ी वैल्यू मिलेगी तो मैं उस एमएक्स को अपडेट करता जाऊंगा। ठीक, तो वो चलेगा एरे ट्रेवर्स होते हुए स्टार्ट करेगा 9 से। 9 को एमएक्स में क्या स्टोर है, बॉब के 0 की वैल्यू दैट इज 7। तो 7 को कंपेरिजन कराएगा 9 से, 9 बड़ा है तो मैक्स जो है वो अपडेट होके 9 आ जाएगा एमएक्स में वैल्यू। फिर 2 है, 2 9 से छोटा है तो यहाँ पे अपडेट करने की ज़रूरत है नहीं। 3, 3 भी छोटा ही है तो यहाँ भी अपडेट नहीं होगा। फिर आ जाता है मेरा 13, 13 जो है वो 9 से भी बड़ा, तो यहाँ पे एमएक्स जो है वो अपडेट होके 13 हो जाएगा। इस तरह से मुझे मिल जाएगा एरे में, बॉब के एरे में लार्जेस्ट वैल्यू वो 13 है। तो मुझे एलाइस के सारे वैल्यू को 13 से एक ज़्यादा करना होगा, दैट मीन्स कि 14 करना होगा मुझे। तो मुझे एमएक्स में तो ग्रेटेस्ट वैल्यू मेरे पास है 13, तो मैं उसको एक से इंक्रीमेंट करता हूँ ताकि वो 14 हो जाए। ओके, एमएक्स प्लस इज इक्वल टू 1। अब मेरा आधा काम हो चुका है, अब मुझे सिर्फ बॉब के एलाइस के एरे को ट्रैवर्स कर करके उनके हर वैल्यू को, जो वैल्यू एमएक्स से छोटा है उसे एमएक्स तक का बनाना है। उसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा उसको बनाने के लिए, तो मुझे उसी जितना हम ऐड कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं, उसको के से मल्टीप्लाई करने में मुझे उसका पूरा रनिंग टाइम मिल जाएगा और मैं उसको स्टोर कराता चलूँगा, ऐड कराता चलूँगा। तो आप देखिए फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 से एन तक का लूप चलाना है। फिर उसमें मैं अगर मुझे अगर एलाइस की वैल्यू जो है वो अगर एमएक्स से छोटी है तभी अपडेट कराने की ज़रूरत है, नहीं तो अगर उसके बराबर या उससे बड़ी हुई तब तो अपडेट कराने की कोई ज़रूरत है नहीं मुझे। तो मैंने उसके लिए कंडीशन यहाँ पे लगा दिया है। ठीक, सो नाउ अगर मुझे उससे छोटी वैल्यू कोई भी मिलती है तो मुझे कितना उसमें इंक्रीमेंट कराना पड़ेगा, सिंपली मैं एम एक्स माइनस एलाइस ऑफ आई कर दूंगा। तो ये मुझे मिल गया कितना उसमें इंक्रीमेंट कराना है। अब इसमें अगर मैं के से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ तो मुझे पूरा टाइम मिल जाएगा, क्योंकि एक को इंक्रीमेंट कराने का टाइम के है, तो जितना इंक्रीमेंट कराना है उसको के से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे पूरा टाइम मिल जाएगा। ठीक, ये मुझे हो गया पूरा टाइम कितना लगा एक वैल्यू को इंक्रीमेंट कराने में। तो लूप जब एन तक चलेगा तो मुझे सारे वैल्यू की यहाँ पे मिल जाएगी और मैं इसको ऐड कराता चलूँगा। इसको मैं रेस नाम के, रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कराता चलूँगा। ठीक, और इनिशियली इसको इनिशलाइज कर देना है रेस इज इक्वल टू 0। ओके, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 0 से इनिशलाइज नहीं किया इसको तो उसमें गार्बेज वैल्यू आ सकती है, तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ओके, सो लेट्स कंपाइल इट एंड सी इफ देर इज एनी प्रॉब्लम और नॉट। फिर मुझे लास्ट में मैं सॉरी, मैं रिजल्ट प्रिंट कराना नहीं भूल गया, तो इसको प्रिंट भी कराना है जिससे मेरा आंसर आ सके। अभी मैं कंपाइल इसको करता हूँ, देखते हैं कोई प्रॉब्लम, कोई कंपाइलेशन एरर, कोई लॉजिकल एरर। तो यहाँ पे कंपाइलेशन एरर आ रहा है, तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या है। सी इन वॉज नॉट डिक्लेयर्ड। ओके, लेट्स सी, यहाँ पे मैंने लाइब्रेरी जो इंक्लूड की है वहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस, यहाँ पे देखिए मैंने नेम स्पेस की स्पेलिंग गलत लिखी है, वो होगा ए, दैट्स वाई इट रिकोगनाइज दैट एरर एंड शोज इट एट द कंपाइलेशन टाइम। लेट्स कंपाइल इट अगेन एंड सी। सो हियर माई सैम्पल केस इज पास। सो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पे अब कंस्ट्रेंट हम देखते हैं। कंस्ट्रेंट में मेरे पास क्या है, एन की वैल्यू जो है 10^5 दी है, के वैल्यू दी है 20, और एरे के जो एलिमेंट्स हैं वैल्यू ऑफ ईच कार्ड वो 10^6 हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैं हर एलिमेंट के लिए उसके वैल्यू को कितने से इंक्रीज़ करते हैं उसको, और उसको कैसे मल्टीप्लाई करने के बाद, मतलब कि उसका रनिंग टाइम निकालने के बाद उसको स्टोर कराते चलते हैं, तो ये वैल्यू जो है वो इंटीजर रेंज से बाहर जा सकती है। इसके लिए अगर हम यहाँ पे फॉर सिक्योरिटी पर्पस, मैं यहाँ पे ले सकता हूँ इसको, इंट को डिफाइन कर सकता हूँ
लॉन्ग लॉन्ग में, इससे क्या हो जाएगा मेरा, इससे जो बड़ी वैल्यू होगी जो इंटीजर रेंज से बाहर की वैल्यू होगी वो अगर आती भी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। ओके तो अभी देखते हैं, इससे कोई अगर कंपाइलेशन एरर नहीं आई तो फिर मैं सबमिट करूँगा और फिर देखते हैं मेरा एसी है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया ये हैकर रैंप पे। तो यहाँ पे सैम्पल केसेस दिखा रहे हैं, ये मेरे सारे पास हो गए। ये था आज का क्वेश्चन, सिंपल एरे का क्वेश्चन था, बस उसमें एरे के बेसिक्स जानने बहुत ज़रूरी थे और थोड़ा सा लॉजिक था जो कि आपको समझना था और आप ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। सो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए एंड सब्सक्राइब।